कोट गुलाम मोहम्मद के वार्ड नंबर 5 के रिहायशी सोनारा बरादरी प्रकाश नवीद राय प्रेम कुमार की कयादत में प्रेस क्लब कोट गुलाम मोहम्मद पर घर में हमले और घर वालों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरा करते हुए कहा कि 8 दिन कबल चेतन सोनारा, रमेश सोनारा, शशपाल सोनारा, डॉक्टर राकेश अरमान, दशरथ और दीगर ने हमारे घर में घुस कर मेरी बूढ़े वालिद और भाई प्रेम सोनारा को तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें संगीन नोयत के नतायज की मौत मार धमकियां दी। इस हमले की हमने पुलिस स्टेशन गुलाम मोहम्मद इस हमले के बाद हम पुलिस स्टेशन कोट गुलाम मोहम्मद में भी गए पर हमारी पुलिस ने नहीं सुनी। एसएसपी मीरपुर खास को भी दरख्वास्त दी पर उसके बावजूद हमारी कोई सुनने वाला नहीं जबकि हमें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। हम आईजी सिंध वजीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि इस अमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए।